तो कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर में आपने टीम कैप एंड टीम आयरन मैन के बारे में सुना होगा, एंड थॉर रैग्नारोक में आपने टीम थॉर के बारे में सुना। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि अगर इन तीनों टीमों में कभी बैटल हो तो उस बैटल को कौन जीतेगा। तो इन तीनों टीमों का पावर लेवल हम लोग देख चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम इन्हें ही कंपेयर करेंगे। यहाँ पे टीम कैप से हमारे पास होंगे कैप्टन अमेरिका, बकी, स्कारलेट विच, हॉकाई, एंटमैन एंड फैल्कन। तो टीम आयरन मैन से हमारे पास होंगे आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, ब्लैक विडो, विजन, स्पाइडर मैन और वॉर मशीन। तो थॉर की टीम से हमारे पास होंगे थॉर, वेलकरी, लोकी एंड हल्क। तो इस वीडियो को मजेदार बनाने के लिए हम इनकी फाइट्स को दो राउंड में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम पहले राउंड में बात करेंगे इनके नॉर्मल वर्जन की, मतलब जो भी हमने मूवीज के बेसिस में अभी इनके नॉर्मल वर्जन देखे हैं उनको कंपेयर करेंगे। एंड फिर आएगा सबसे मजेदार यानी सेकेंड राउंड, जिसमें हम कंपेयर करेंगे इनके मोस्ट पावरफुल मूवीज वर्जन को, फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिटी वॉर थॉर, आयरन मैन विद ब्लीडिंग एज आर्मर, कैप्टन अमेरिका विद म्योनेर एंड वांडा इन वांडा विजन। तो शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि ये पूरा कंपैरिजन सिर्फ मूवीज के बेसिस पे होगा, आप इस कंपैरिजन को कॉमिक्स से कंपेयर मत करना। तो इस मजेदार कंपैरिजन से पहले आप सब लोग अपना पर्सनल ओपिनियन हमें कमेंट में शेयर कर दो, एंड फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राउंड वन की, जहाँ पे हम इन सब कैरेक्टर्स के नॉर्मल वर्जन को ऐड करेंगे, यानी नॉर्मल थॉर, नॉर्मल आयरन मैन एंड नॉर्मल कैप, एंड एक्स्ट्रा जितने भी और कैरेक्टर है वो भी नॉर्मल। लेकिन कंपैरिजन से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि हॉकाई एंड ब्लैक विडो, इन दोनों कैरेक्टर्स को हम कंपैरिजन में ऐड नहीं करेंगे, हम इन दोनों कैरेक्टर्स को सिर्फ लास्ट में कंपैरिजन में ऐड करेंगे ताकि ये कंपैरिजन कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो अब हम शुरू करते हैं स्कारलेट विच वर्सेस विजन वर्सेस लोकी। तो ये तीनों ही कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, जहाँ पे विजन फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहीं पे लोकी एंड वांडा पावरफुल मैजिशियंस हैं। तो क्या होगा जब इन तीनों कैरेक्टर्स की फाइट होगी? हम यहाँ पे नॉर्मल वर्जन की बात कर रहे हैं, और नॉर्मल वर्जन में स्कारलेट विच ने विजन को पहले भी हराया है। तो कैप्टन अमेरिका इन द सिविल वॉर में वांडा ने इस टाइम विजन को रोका था, यानी विजन इस बैटल से सबसे पहले नॉकआउट होगा। और जहां तक बात आएगी स्कारलेट विच और लोकी की, तो इन दोनों की फाइट एक बहुत अमेजिंग फाइट होगी। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि स्कारलेट विच लोकी को हरा देगी तो आप गलत हो, क्योंकि इस बैटल का विनर लोकी होने वाला है। तो इस बात में कोई डाउट नहीं कि स्कारलेट विच पावरफुल है एंड लोकी को बहुत अच्छी टक्कर देगी, लेकिन टिल एंड गॉड ऑफ मिचीफ इस बैटल में बाजी मार लेगा। अब इस टाइम पे वांडा को ये नहीं पता है कि अपनी पावर्स को ढंग से यूज़ कैसे करना। हाँ, हालांकि हमने इसके बहुत से ऐसे फिट्स देखे हैं जहाँ पर ये अपनी पावर पे कंट्रोल कर रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम वांडा अपनी पावर्स पे कंट्रोल खो देती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लोकी की, तो लोकी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकी बहुत ज़्यादा टाइम से मैजिक सीख रहा है, एंड मैजिक के बहुत ज़्यादा इल्यूजन से ही वो बैटल जीतता है। एंड जहाँ तक बात है कि वांडा के माइंड कंट्रोल पावर की, तो लोकी के ऊपर उस पावर का असर नहीं होने वाला, क्योंकि जब सिल्वी ने ऐसा करने की कोशिश की थी तो लोकी को कुछ नहीं हुआ। यानी लोकी इतना पावरफुल तो है कि वांडा के मैजिक से उसे कुछ ना हो, एंड वांडा के टेलीकिनेसिस पावर से बचने के लिए लोकी बहुत से इल्यूजन क्रिएट कर देगा। उसके इल्यूजन इतने पावरफुल होते हैं कि कभी कभी तो थोर ये भूल जाता है कि इल्यूजन है या सच। एंड देन आएगा लोकी का थर्ड एडवांटेज कि अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट तक लोकी पहुंच जाता है, यानी वो वांडा के पास पहुंच जाता है, तो वांडा को वो हरा देगा, क्योंकि वांडा एक ग्लास कैनल कैरेक्टर है, मतलब वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं, और अगर वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होगी तो लोकी अपने वेपन से इसे हरा देगा। आप इसे इस तरह से समझो कि वांडा और लोकी की फाइट हो रही है। तो सबसे पहले तो वांडा की टेलीपैथिक पावर का लोकी के ऊपर असर नहीं होगा, एंड देन वांडा ट्राई करेगी टेलीकिनेसिस पावर, एंड लोकी अपने इल्यूजंस की मदद से वांडा को वहां पे कंफ्यूज करेगा, एंड देन वो पहुंचेगा वांडा के पास, एंड देन शुरू होगी क्लोज कॉम्बैट फाइट। और जैसे क्लोज कॉम्बैट फाइट शुरू होगी तो लोकी अपने वेपन से वांडा पे अटैक करेगा एंड उसे हरा देगा, क्योंकि लोकी इतना भी ग्लास कैनल कैरेक्टर नहीं है जितनी वांडा है, एंड प्रॉक्सिमा मिडनाइट ने भी वांडा को इतनी इजीली पीछे कर दिया था। तो लोकी तो डेफिनेटली वांडा को हरा देगा, वो भी इजीली। इसलिए लोकी और वांडा के इस बैटल का विनर होगा लोकी। वॉर मशीन वर्सेस वेलकरी वर्सेस एंटमैन। तो देखो, अगर हम इनके नॉर्मल वर्जन को भी कंपेयर करते हैं तो वॉर मशीन के जीतने के बहुत से चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल वेलकरी ज़्यादा दूर से अटैक नहीं कर सकती, एंड एंटमैन भी, लेकिन वॉर मशीन दूर से भी अटैक कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसके पास वो सब टेक्नोलॉजी है जो टोनी के पास है, यानी एनर्जी बीम, रिपल्सर्स एंड उसके और भी बहुत से वेपन्स, जिन वेपन्स का वो यूज़ कर सकता है दूर से भी अटैक करने में, एंड वो उसी तरह से लड़ाई करेगा वेलकरी एंड एंटमैन से। एंड जिस हिसाब से उसके वेपन्स का पावर लेवल है, तो उस हिसाब से तो वो पक्का वेलकरी को हरा देगा, क्योंकि अगर वो वेलकरी के पास जाता है तो तभी उसके थोड़े बहुत एडवांटेज बनेंगे कि वेलकरी उसके आर्मर को ब्रेक कर दे। लेकिन वॉर मशीन इतनी बड़ी गलती नहीं करने वाला, वॉर मशीन उसे दूर से फाइट करेगा एंड उसे नॉकआउट कर देगा।
लेकिन अगर हम बात करते हैं एंटमैन की, तो एंटमैन उसके नाक पे दम कर सकता है क्योंकि एंटमैन बहुत छोटा हो सकता है एंड आयरन मैन की ही तरह वो वॉर मशीन के सूट में घुस सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आयरन मैन के सूट्स में जो फीचर्स हैं वो सारे गियर्स एंड गैजेट वॉर मशीन के सूट में भी होते हैं, तो वॉर मशीन भी ठीक आयरन मैन की तरह कर सकता है एंड अगर वो उसके सूट से बाहर आता है तो वो एंट मैन को हरा देगा। क्योंकि यहाँ पे हम जायंट मैन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एंट मैन की बात कर रहे हैं। हाँ, छोटा होते ऐसा हो सकता है कि वॉर मशीन को किसी पोजिशन में एंट मैन ना दिखे, लेकिन उसके सूट में इतनी टेक्नोलॉजी तो होगी कि वो एंट मैन को डिटेक्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ फैल्कन ने एंट मैन को डिटेक्ट कर लिया था तो वॉर मशीन तो ऐसा कर सकता है। अब इसे इस बात से कंपेयर मत करने लग जाना कि अगर वो ऐसे ही कर सकता तो उसने सिविल वॉर में क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं, उस टाइम वॉर मशीन उससे बात कर रहा था और उसका ध्यान नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंगल फाइट की। तो अगर वॉर मशीन और एंटमैन की फाइट होती है तो वॉर मशीन को पता होगा कि वो एंटमैन से लड़ रहा है, यानी वो उसके ऊपर पूरी नजर रखेगा, जिस वजह से वो एंटमैन को डिटेक्ट करेगा एंड उसे हरा देगा। क्योंकि एंटमैन के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी वॉर मशीन के पास है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो अपने पिंक पार्टिकल्स की मदद से वॉर मशीन को छोटा कर दे, लेकिन इसके बहुत कम चांसेस हैं। एंड सेकंड बात कि वॉर मशीन के सूट के पास ऐसी बहुत सी हाईटेक वेपन्स हैं जो एंटमैन ने कभी देखे नहीं होंगे एंड उन सब वेपन्स की मदद से वॉर मशीन एंटमैन पे भारी पड़ने वाला है, यानी इस बैटल का विनर होगा वॉर मशीन। तो अब हम अपना नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऐप जिसका नाम है टक्साल। अगर आपका प्रेडिक्शन स्किल आईक्यू लेवल थोड़ा सा भी अच्छा है तो ये गेम आपके लिए ही बनाया है, जो आपको एक गुना, दो गुना या तीन गुना नहीं बल्कि सीधा 9 गुना पैसे देता है। मतलब अगर आप लोग 10 रुपये लगाएंगे तो आपको मिलेंगे 90 रुपीज। तो अब मैं आपको बताऊंगा इस गेम को जीतने की स्ट्रेटजी। खेलने से पहले विनिंग लिस्ट एक बार जरूर चेक करें, लास्ट के कुछ नंबर जो खुल चुके हैं उनको छोड़कर 2 या 3 नंबर पर बदलते हुए क्रम में पैसा लगाएं, जिससे आप पैसे को रिकवर तो करेंगे ही साथ ही कुछ एडिशनल अमाउंट भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों, है ना ये कमाल की एप्लीकेशन, आप इस ऐप को फेसबुक से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सोच कह रहे हो, इस टक्सल ऐप को अभी डाउनलोड करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फैल्कन विंटर सोल्जर वर्सेस ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क। तो अगर हम सिविल वॉर का ही एग्जांपल लेते हैं तो स्पाइडी ने फैल्कन एंड विंटर सोल्जर को अकेले ही हरा दिया, और उस टाइम पे वो ढंग से फाइट भी नहीं कर रहा था। मतलब अगर वो सीरियस होकर फाइट करता तो वो फैल्कन एंड बकी को बहुत इजीली हरा देता। इन सबसे ऊपर उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी एंड इन सबसे ऊपर उसकी स्पीड एंड एजिलिटी बहुत ज्यादा तेज है फैल्कन एंड विंटर सोल्जर से, जिस वजह से वो उन्हें सिविल वॉर में हरा पाया। तो अगर यहाँ पे हम नॉर्मल कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो स्पाइडरमैन के पास इतना हाईटेक सूट ना हो, लेकिन तब भी सिंपल स्पाइडरमैन भी इन्हें हरा सकता है। तो यानी अब हमारे पास सिर्फ बचेंगे स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर एंड हल्क। तो अब जितनी देर में स्पाइडी इन्हें हराएगा उतनी देर में दूसरी साइड हल्क एंड ब्लैक पैंथर की फाइट चल रही होगी। अब ऐसा मत सोचना कि हल्क इतनी देर में ब्लैक पैंथर को निपटा चुका होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भले हल्क ब्लैक पैंथर से बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन स्टिल एंड ब्लैक पैंथर के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है एंड उसके क्लॉज भी हल्क को बहुत ज्यादा तंग कर सकते हैं। तो हमने सिविल वॉर में भी देखा था कि स्पाइडी ने इन दोनों को बहुत जल्दी हरा दिया, और इतनी देर तक तो ब्लैक पैंथर हल्क के आगे टिक ही सकता है एंड देन स्पाइडी ब्लैक पैंथर की हेल्प करेगा एंड वो दोनों चढ़ जाएंगे हल्क पे, और अगर ऐसा होता है तो वो दोनों मिलके हल्क को हरा सकते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि हल्क कितना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन एमसीयू में उसकी उतनी पावर नहीं दिखी। और ये बात हम सभी को पता है कि अगर स्पाइडरमैन और हल्क की सिंगल बैटल होती है तो स्पाइडरमैन उसे 10-15 मिनट तक बचे रहे, लेकिन हल्क कैसे ना कैसे करके स्पाइडी को हरा देगा एंड ब्लैक पैंथर के साथ भी सेम केस होगा। लेकिन जब ये दोनों करेक्टर एक टीम में हो और हल्क एक साथ अकेला हो तो हल्क के जीतने के थोड़े कम चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये किसी भी स्ट्रेटजी से हल्क को हरा सकते हैं। हाँ, हल्क के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर हो, लेकिन वो हल्क को ब्रूस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक पैंथर हल्क से स्ट्रेट फाइट करेगा, लेकिन स्पाइडी उसे जालों में फंसाता जाएगा, और स्पाइडी ने कुछ ऐसा ही किया था अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के खिलाफ। तो अगर स्पाइडी अपने वेब्स का इस तरह यूज करता है तो हल्क को भी ऐसे ट्रैप कर सकता है, एंड अगर उसने एक बार हल्क को ऐसे ट्रैप कर लिया तो भले ही हल्क थोड़ी देर में उसके जालों को तोड़ दे, लेकिन उतना टाइम काफी होगा ब्लैक पैंथर जैसे करेक्टर एंड स्पाइडी जैसे करेक्टर को हल्क को नॉकआउट करने में, एंड इस तरह से ब्लैक पैंथर एंड स्पाइडी इस बैटल के विनर होंगे। क्योंकि एक बात आप खुद सोचो कि भले हल्क बहुत पावरफुल है, वो 1-on-1 बैटल में इन दोनों करेक्टर्स को हरा सकता है, लेकिन अगर ये दोनों करेक्टर एक साथ आते हैं तो उसके जीतने के थोड़े कम चांसेस है, इसलिए स्पाइडी एंड ब्लैक पैंथर इस बैटल के विनर हैं। थॉर वर्सेस कैप वर्सेस आयरन मैन। तो यहाँ पे मैं फिर से याद दिला दूं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल वर्जन की, यानी सिंपल कैप्टन अमेरिका, सिंपल थॉर एंड सिंपल आयरन मैन।
एंड हम आयरन मैन और थॉर की फाइट तो अवेंजर्स मूवी में देख चुके हैं। एंड अगर हम बात करें कैप की, तो इस बैटल में सबसे पहले नॉकआउट वही होगा, क्योंकि उसके सामने खड़े हैं आयरन मैन एंड थॉर, एंड वो दोनों उसे आराम से हरा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आयरन मैन और थॉर की फाइट की, तो ये फाइट बहुत अमेजिंग होगी, लेकिन टिल एंड थॉर के जीतने के बहुत से चांसेस हैं, क्योंकि अवेंजर्स मूवी में भी थॉर के पास एक अपर हैंड लग रहा था। एंड थॉर अगर अपने म्योनिर को आयरन मैन के ऊपर इस टाइम रख देता है, तो आयरन मैन उठ भी नहीं सकता। एंड उसने अपने इसी हैमर से आयरन मैन को एक बहुत तगड़ा स्लैप मारा था अवेंजर्स मूवी में। इसके ऊपर हमने इस मूवी में ये भी देखा कि थॉर सिर्फ अपने हाथ से आयरन मैन के आर्मर को ब्रेक कर सकता है एंड अपने हेडबट से आयरन मैन को पीछे ढकेल सकता है। और ये सब बातें प्रूव करती है कि थॉर की फिजिकल पावर्स आयरन मैन से बहुत ज्यादा है एंड उसके हैमर के एडवांटेज की वजह से वो आयरन मैन को हरा देगा। यानी इस फाइट का विनर होगा थॉर। तो अब हम आते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन पे। तो अब हमारे पास राउंड वन में बचे हुए हैं हॉकाई, ब्लैक विडो, स्पाइडी, ब्लैक पैंथर, थॉर, लोकी एंड वॉर मशीन। एंड जो इस बैटल में सबसे पहले नॉकआउट होंगे वो होंगे हॉकाई एंड ब्लैक विडो। एंड देन फाइट होगी स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर और थॉर की एंड लोकी और वॉर मशीन की। एंड वॉर मशीन और लोकी की फाइट में वॉर मशीन के पास एक अपर हैंड रहेगा, बिकॉज हमने अवेंजर्स मूवी में देखा था कि आयरन मैन ने अपने सिंपल से आर्मर से ही लोकी को हाथ ऊपर करने में मजबूर कर दिया। एंड वॉर मशीन के सूट में भी वही फीचर है जो टोनी के पास हैं, यानी वॉर मशीन भी ऐसा कर सकता है, लेकिन लोकी उसे अपने इल्यूजन में फंसा सकता है। लेकिन टिल एंड वॉर मशीन के पास एक अपर हैंड रहने वाला है। तो अगर वॉर मशीन लोकी को हरा देता है, तो थॉर स्पाइडी एंड ब्लैक पैंथर से बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला, क्योंकि अगर थॉर उनके सामने थोड़ी देर फाइट कर भी लेता है, तो वॉर मशीन उनकी हेल्प करेगा एंड ये तीनों मिलकर थॉर को हरा देंगे। तो थॉर भले ही बहुत पावरफुल हो, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं कि वो इन तीनों को एक साथ हरा दे। और यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं सिंपल थॉर की, और वो ऐसा नहीं कर सकता। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोकी वॉर मशीन पे भारी पड़ सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि मेनली डिपेंड करेगी ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, एंड वो वॉर मशीन की लोकी से ज्यादा है, क्योंकि भले ही लोकी अपने इल्यूजंस की मदद से वॉर मशीन को कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज कर दे, लेकिन वॉर मशीन के अगर वो पास जाता है वांडा की तरह, तो लोकी अपने एक दो अटैक से उसे नहीं हरा सकता। यानी अगर वो अपने एक दो अटैक का यूज भी करता है, तो वॉर मशीन को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अगर फिर वॉर मशीन उसके ऊपर अटैक करता है, तो लोकी के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वॉर मशीन के अटैक लोकी के इन अटैक से बहुत ही ज्यादा है। यानी टिल एंड वॉर मशीन के सूट की कमाल की टेक्नोलॉजी प्लस उसकी ड्यूरेबिलिटी, ये दोनों चीजें काफी हैं कि वो लोकी को हरा सके। एंड इस तरह से राउंड वन के विनर है टीम आयरन मैन, क्योंकि उनके तीनों करेक्टर स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर एंड वॉर मशीन बैटल में हैं। तो अब हम बात करते हैं राउंड टू की, जहाँ पे हम इन सब करेक्टर्स के मोस्ट पावरफुल वर्जन को ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिटी वॉर थॉर एंड हॉकाई और ब्लैक विडो को भी हम लास्ट में ऐड करेंगे, पिछले कंपैरिजन की ही तरह। वांडा वर्सेस विजन वर्सेस लोकी। तो पिछले बैटल की ही तरह इस बैटल में सबसे पहले नॉकआउट होगा विजन, लेकिन इस बार स्कारलेट विच और लोकी की फाइट एक बहुत अमेजिंग फाइट होगी, क्योंकि इस बैटल में जो हमारे पास स्कारलेट विच है वो वांडा विजन की है, जिसके पास रियलिटी रैपिंग, हेक्स मैजिक मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन और यहाँ तक कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन की भी एबिलिटी है। लेकिन क्या ये वांडा भी लोकी को हरा पाएगी? अब देखो, इसके चांसेस उतने ही कम है, बिकॉज लोकी अपने इल्यूजन से वांडा को कंट्रोल कर सकता है। यानी वो अपने इल्यूजन से वांडा को बहुत ही ज्यादा तंग कर देगा। एंड जहां तक बात आएगी वांडा के माइंड कंट्रोल पावर्स की, तो आई डोंट थिंक कि इस वांडा के भी लोकी के ऊपर माइंड कंट्रोल पावर यूज होने वाली है, क्योंकि लोकी को एस्गार्डियन की प्रिंसेस फ्रिगा ने ट्रेन किया है। इसके ऊपर आपको बता चुका हूँ कि सिल्वी के मैजिक का भी लोकी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, यानी लोकी के माइंड को पावरफुल मैजिशियन भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लोकी वांडा से ज्यादा पावरफुल है, जहां पे पावरफुल होने की बात आएगी वहां पे स्कारलेट विच लोकी से बहुत बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन फाइट एक अलग सिनेरियो होता है, जो कि मैं बहुत बार बता चुका हूं। एंड लोकी के पास फाइट में ज्यादा जीतने के चांसेस है, बिकॉज लोकी अपने इल्यूजंस की मदद से उसे मैनिपुलेट कर सकता है। एंड फिर पिछले बैटल की ही तरह वांडा का ग्लास कैनन होने का फायदा उठा सकता है एंड उसके क्लोज जाके वांडा को हरा सकता है, एंड ठीक उसी तरह से लोकी वांडा को हरा देगा। अब जरा आप खुद एक बार दिमाग लगा के सोचो कि वांडा बहुत ज्यादा पावरफुल है लोकी से, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है फाइट की, एंड वांडा की पावर सोर्सरर सुप्रीम से ज्यादा बताई गई है, लेकिन वांडा की मेन प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी पावर्स को ढंग से यूज करना नहीं जानती। एंड इसका ही फायदा लेगा लोकी, क्योंकि लोकी को पता है कि कौन सी पावर किस तरह यूज करनी है, एंड वो मरने का भी इतनी बार नाटक कर चुका है कि अब तो पता ही नहीं चलता कि वो मर गया है या जिंदा है। तो लास्ट एंड फाइनल बात आएगी लोकी का एक्सपीरियंस, जो कि वांडा से बहुत ज्यादा है, एंड इन सब एडवांटेजेस से लोकी वांडा के ऊपर भारी पड़ सकता है। वॉर मशीन वर्सेस वैल्करी वर्सेस फैल्कन। तो यहाँ पे मैं फैल्कन को इसलिए ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें इस फैल्कन की, यानी जो अभी नया कैप्टन अमेरिका है।
लेकिन अगर आप वॉर मशीन और वेलकरी के बैटल को देखते हैं तो वो सेम वैसा ही होगा एंड वॉर मशीन वेलकरी को हरा देगा। लेकिन अगर आप वॉर मशीन और कैप्टन अमेरिका यानी फैल्कन के बैटल को देखते हैं तो इस बार ये बैटल थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। हाँ, फैल्कन के पास उसके विंग्स है जिससे वो बहुत तेज फ्लाई कर सकता है, कमाल के प्रोजेक्टाइल है एंड कैप की शील्ड है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इतना सब कुछ करने के बाद भी वो वॉर मशीन को नहीं हरा सकता, क्योंकि भले ही वो बहुत तेज फ्लाई करता हो लेकिन वॉर मशीन का आर्मर भी बहुत तेज है एंड इसके ऊपर वो उसके प्रोजेक्टाइल से इजीली सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि उसका आर्मर बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है एज कम्पेयर टू फैल्कन। एंड अगर फैल्कन शील्ड से बचने या उसे अटैक करने की कोशिश करेगा तो वॉर मशीन के ऊपर उसका ज्यादा असर नहीं होगा। एंड अगर वो बचने की कोशिश भी करता है तो वॉर मशीन कैसे ना कैसे करके उससे शील्ड नीचे गिरवा ही देगा एंड जैसे ये होगा तो वॉर मशीन फैल्कन को हरा देगा, वो भी अपने कमाल की मिसाइल से एंड हाईटेक टेक्नोलॉजी से। यानी इस बैटल का होगा वॉर मशीन, जायंट मैन, विंटर सोल्जर वर्सेस ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क। तो इस बैटल में सबसे पहले नॉकआउट होगा विंटर सोल्जर एंड देन हमारे पास बचेंगे चार कैरेक्टर, जायंट मैन, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन एंड हल्क। तो फिर या तो स्पाइडी एंटमैन से यानी जायंट मैन से लड़ेगा एंड ब्लैक पैंथर हल्क से लड़ेगा। तो अगर स्पाइडी एंड जायंट मैन की बात करते हैं तो स्पाइडी के जीतने के चांसेस हैं, क्योंकि हमने सिविल वॉर में भी देखा था कि स्पाइडी उसे ट्रैप कर पाया था लेकिन जायंट मैन का एक हाथ से ही स्पाइडी नीचे गिर गया था। लेकिन स्पाइडी इतना तेज तो है कि जायंट मैन के बहुत से अटैक उसको लगे ही नहीं और वो इतना तेज है भी। और अगर यहाँ पे हम बात करें मोस्ट पावरफुल वर्जन की तो हमें आयरन स्पाइडर सूट ऐड करना पड़ेगा एंड उससे स्पाइडरमैन और ज्यादा तेज हो जाता है एंड उससे वो जायंट मैन को हरा देगा। लेकिन सिविल वॉर में ऐसा करते ही स्पाइडी को चक्कर आ गए थे और ये बैटल भी आसान नहीं होने वाला, स्पाइडी को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ऐसा प्लान बनाने में एंड देन लास्ट में वो बहुत ज्यादा थक जाएगा। लेकिन इतने देर में हल्क और ब्लैक पैंथर की फाइट खत्म हो चुकी होगी, ब्लैक पैंथर हल्क को बहुत अच्छी टक्कर दे चुका होगा बट स्टिल एंड हल्क उसे हरा देगा, क्योंकि हल्क की स्ट्रेंथ, रिजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर एंड उसके जंप्स एंड उसके बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसके मुकाबले बहुत ज्यादा आगे हैं। हाँ, भले टेक्नोलॉजी एंड अपने कहीं से स्किल्स के मामले में ब्लैक पैंथर आगे हो लेकिन अपने स्ट्रेंथ के बलबूते पे अगर कोई सुपर हीरो जीत सकता है तो वो है हल्क, और हल्क ब्लैक पैंथर को हरा देगा एंड हल्क फिर स्पाइडी से लड़ेगा एंड स्पाइडी भी अब तक थक चुका होगा। और अगर स्पाइडी थक चुका है तो हल्क उसे बहुत इजीली हरा सकता है, क्योंकि अगर वो थका नहीं होता तो वो हल्क को कुछ टाइम के लिए ट्रैप कर सकता, लेकिन अगर वो थक गया है तो हल्क उसे बहुत बुरा हराएगा। तो यानी कि अगर इन सब कैरेक्टर्स का आपस में बैटल होता है तो उसमें लास्ट स्टैंड रहेगा हल्क, थॉर वर्सेस आयरन मैन वर्सेस वर्दी कैप। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन्फिनिटी वॉर थॉर, ब्लीडिंग एज आर्मर एंड वर्दी कैप की। तो अगर हम इन तीनों करेक्टर्स की फाइट का ब्रेकडाउन करते हैं तो जो सबसे पहले करेक्टर नॉकआउट होगा वो होगा वर्दी कैप, क्योंकि आप ऐसा मत सोचना कि अगर उसके पास थॉर की पावर्स है तो वो इन्हें हरा सकता है, लेकिन उसके सामने ब्लीडिंग एज आर्मर जो थॉर की लाइटनिंग पावर्स को अपने आर्मर में एब्जॉर्ब कर सकता है जिस तरह से उसने मार्क 85 के साथ किया, एंड ब्लीडिंग एज आर्मर में भी यही सब टेक्नोलॉजी है। एंड अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि कैप बस अपने म्योनियर को उसके ऊपर रखेगा एंड आयरन मैन हार जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आयरन मैन ऐसा चांस ही नहीं देगा कैप को। अब कैप अगर आयरन मैन से कंटिन्यूसली फाइट करता है तो उसे फाइट में टक्कर तो दे दे, लेकिन स्टिल एंड इस बैटल का विनर होने वाला है ब्लीडिंग एज आर्मर आयरन मैन। और फिर यानी फाइनल फाइट होगी ब्लीडिंग एज आर्मर आयरन मैन वर्सेस इन्फिनिटी वॉर थॉर। और अगर इन दोनों करेक्टर्स की फाइट होती है तो इन्फिनिटी वॉर थॉर इस आयरन मैन को बहुत इजीली हरा सकता है, क्योंकि इस थॉर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को भी काउंटर किया है एंड थानोस को ब्लीड किया है, इतनी बड़ी स्पेसशिप्स को डिस्ट्रॉय किया है एंड आउटराइडर्स के छक्के छुड़ा के रख दिए हैं, एंड ये थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से बायफोस्केटेड कर सकता है जिससे पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर वो कुछ टाइम के बाद बंद ना हो। इन सब एडवांटेजेस से ये आयरन मैन को बहुत इजीली हरा देगा। एंड जहाँ तक बात आएगी इन्फिनिटी वॉर थॉर एंड वर्दी कैप की, तो इन्फिनिटी वॉर थॉर उससे उसके हैमर को ले सकता है, मतलब अगर थॉर और कैप एक साथ म्योनियर को कॉल करते हैं तो म्योनियर जाएगा थॉर के पास, क्योंकि ओडिन के डेथ के बाद अभी ऑल फादर है थॉर और म्योनियर ज्यादा कमांड सुनते हैं ऑल फादर की। ये बात हमने देखी थी थॉर मैन मूवी में जहाँ पे ओडिन थे ऑल फादर एंड उन्होंने थॉर से म्योनियर इतने इजिली ले लिया था एंड थॉर कुछ नहीं कर पाया। एंड अगर बाई चांस ये थ्योरी गलत भी होती है तब भी इन्फिनिटी वॉर थॉर कैप को बहुत इजिली हरा सकता है, उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है एंड उसके फेट कैप से बहुत ही ज्यादा है। तो यानी कि अगर इन तीनों करेक्टर्स की फाइट होती है तो इन्फिनिटी वॉर थॉर इन्हें हरा देगा। और वैसे भी मैं इन तीनों कैरेक्टर्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ जहाँ पे हम वर्दी कैप, इन्फिनिटी वॉर थॉर एंड ब्लीडिंग एज आर्मर या मार्क 85 आयरन मैन का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन स्टिल एंड इस बैटल को तो जीतेगा थॉर। तो यानी कि अब हमारे पास ये कैरेक्टर्स बचते हैं ब्लैक विडो, हॉकआई, इन्फिनिटी वॉर थॉर, हल्क,
लोकी एंड वॉर मशीन। तो जो इस बैटल में सबसे पहले नॉकआउट होंगे वो होंगे हॉकाई एंड ब्लैक विडो, एंड देन नॉकआउट होगा वॉर मशीन। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो थॉर की टीम के तीन मेंबर्स हैं, थॉर, हल्क एंड लोकी, एंड ये तीनों मिलके वॉर मशीन को बहुत इजीली हरा देंगे। यानी कि अगर हम राउंड टू यानी कि अगर हम इनके मोस्ट पावरफुल वर्जन्स का कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे टीम थॉर बहुत इजीली जीत रही है। तो मैंने तो अपने ओपिनियन आपको बता दिए कि अगर हम इनके सिंपल फॉर्म्स को कंपेयर करते हैं तो वहां पे जीतेंगे टीम आयरन मैन, लेकिन अगर हम इनके मोस्ट पावरफुल वर्जन्स को कंपेयर करते हैं तो वहां पे जीतेंगे टीम थॉर। लेकिन ये तो बस मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने टीम टोनी, टीम कैप और टीम थॉर का कंपैरिजन किया। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना, एंड नाउ फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 सो एस एस 10 असेंबल्ड।